तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर को गूगल सर्च कंसोल में कितने बार ऐड करते हैं, ठीक है। इसी का जानकारी आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ब्लॉगर को गूगल सर्च कंसोल में अगर आप ऐड करते हो, सबमिट करते हो, तभी जो है आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे जो है क्या करना है गूगल सर्च कंसोल में, उसका जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि गूगल पर जाएंगे। गूगल पर आने के बाद इसमें हम सर्च करेंगे सर्च कंसोल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिख के आ चुका है सर्च कंसोल। बाकी आप पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हो गूगल सर्च कंसोल। इतना लिख के आपको करना क्या है कि सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद जो है सबसे ऊपर वाला जो लिंक है गूगल सर्च कंसोल टूल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद इस तरीके से जो है आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल सर्च कंसोल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है लॉगिन होना बहुत ही आसान है, और इसके ऊपर जो है मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ कि कैसे जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ब्लॉगर को सबमिट किया जाता है, और साइट मैप को कैसे जनरेट किया जाता है और सबमिट किया जाता है, वो सारा जानकारी जो है मैं पहले ही दे दिया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन रुको, सबसे पहले आपको समझना होगा, इस वीडियो को देखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है क्या क्या करना होता है। बाकी उस वीडियो को देख के आप तो जान ही जाओगे कि कैसे जो है सबमिट करना है, लेकिन फिर भी जो है आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है साइट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं जो है तीन साइट को ऐड कर रखा हूँ, ठीक है। पहला जो है हार्ड टचिंग हिंदी लाइन है, फ्रेश फोटो गैलरी है, रिसर्च टेक न्यूज है, ठीक है। तो इन सब पे जो है उतना सारा पोस्ट नहीं लिखा हुआ था, तो इस पे अब जो है बहुत ही सारा पोस्ट हो चुका है। अब इस पे भी जो है हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गूगल सर्च कंसोल में जब आप जो है साइट को सबमिट करोगे, साइट मैप जनरेट करोगे, तभी जो है आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कोई सा भी साइट को अगर आपको ऐड करना होगा तो यहाँ ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इसके लिए जो है पहली वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है साइट को आप ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलता है साइट मैप का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद जो है कैसे जो है इसके अंदर में साइट मैप को जनरेट किया जाता है और कैसे जो है सबमिट किया जाता है, तो उसी वीडियो के अंदर में जानकारी आपको मिल जाएगा, जो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे साइट मैप को जनरेट करने से ये चीज़ होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है सक्सेस 32 पोस्ट। तो रिसर्च टेक न्यूज के जो ब्लॉगर है, मेरा वेबसाइट है, उस पर जो है 32 पोस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि 32 पोस्ट भी दिख रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 32 पोस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, तो जो जेन्युइन कंटेंट होगा वही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका 32 पोस्ट लिखा हुआ है ब्लॉगर के अंदर में, अगर आपका उसमें से जो है 20 जो है अगर जेन्युइन यानी आपका अपना खुद का कंटेंट होगा जो कि मेहनत करके लिखे होंगे, वही यहाँ पे दिखेगा। बाकी जो बेफालतू का कंटेंट होगा यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हमने जो है बहुत ही समझदारी से जो है 32 पोस्ट लिखा है और बढ़िया से लिखा है, तो यहाँ पे जो है दिख रहा है 32 पोस्ट। तो यहाँ पे जो है आप साइट मैप जो है जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आप अपने साइट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप अपने साइट मैप को जनरेट करके सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर में दो काम करना होता है। बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है साइट मैप जनरेट किया जाता है, कैसे जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में साइट को सबमिट किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ही, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी चलिए आपको मैं बता दूं कि एक भाई ने कमेंट किया था कि हम जो है कितने बार जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कितने बार ऐड नहीं करना होता है, यहाँ पे जो है एक ही बार ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको दो काम करना होता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में। एक तो आपको जो है अपने साइट को सबमिट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके,
बाकी आपको करना क्या होता है कि साइड मैप पे क्लिक करके आपको जो है साइड मैप जनरेट करके यहाँ पे जो है सबमिट करना होता है, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर में दो ही काम करना होता है। बाकी चलिए यही जानकारी देना था आप लोगों को। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।